बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है वो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ शॉपिंग दिखाई जाए और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को दिखाई जाए, आपसे शेयर की जाए। तो इसलिए आप लोगों ने ये जो वीडियो है वो पूरा देखना है, प्लीज़ इसको स्किप नहीं करना। ये जो चिकन आप देख रहे हैं ये हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने रखे हुए हैं, तो इनको देखकर गांव की याद जो है वो थोड़ी ताज़ा हो गई है, क्योंकि यहाँ जो है वो बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने रखे हुए होते हैं। हम लोग आए हैं मॉरिसन, यहाँ से हम लोगों ने कुछ सौदा वगैरह लेना है, घर की शॉपिंग करनी है, तो इंशाल्लाह मैं घर वापस जाकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। घर आते हुए मैं कीमा ले आई थी, अब मैं साथ बना रही हूँ चिकन कबाब और जल्दी जल्दी से मैं बर्गर रेडी कर लूँगी। तो ये जो कबाब मैं बना रही हूँ इनकी रेसिपी मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं चिकन कबाब लर्न विद हिना, और इसकी जो रेसिपी की है लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उधर से भी चेक कर सकते हैं।
चले अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये हैं जी वाइट चने, ये उबले हुए होते हैं और इस तरह के कैन में पैक होते हैं, हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये मैंने लिया है मार्मलेट ऑरेंज का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसमें ऑरेंज के जो छिलके हैं वो भी बारीक बारीक जो है वो पड़े हुए होते हैं, बहुत नाइस होता है ये। और ये ली हैं जी एयर फ्रेशनेस, और ये ली है माजरीन। और ये मुझसे पूछा भी गया था कि आप वहाँ पर घी इस्तेमाल करते हैं या क्या है, बटर है क्या है, तो हम यहाँ पर ये बटर और माजरीन यूज़ करते हैं अंडे वगैरह बनाने के लिए और जो है वो ब्रेड को टोस्ट करें तो उस पर लगाने के लिए। तो ये है योगर्ट, और ये है जी मिल्क, ये इस तरह के गैलन में होता है या फिर बोतलों में आता है, यहाँ पर जो खुला मिल्क है वो नहीं मिलता। और ये बच्चों की चॉकलेट, और ये देखें जी आलू, वो भी इस तरह के पैकेट में बंद होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं। और ये है बच्चों का जूस, और बच्चों के लिए चीज़ स्ट्रिंग, क्रिस्प, जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बच्चों की हैं। और ये है जी योगर्ट, ये बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर में मिल जाता है। योगर्ट जो है वैसे ही बच्चों के लिए बहुत हेल्थी है, ख़ास करके अगर कोई बच्चा है वो दूध नहीं पीता है तो आप उसको योगर्ट दें, क्योंकि योगर्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और ये जी फ्रूट लिया है, ये देखें सारा जितना भी फ्रूट है वो इस तरह के डब्बों में और पैकेट में पैक होता है और उस पर डेट भी लिखी हुई होती है। ये जो गिलास है ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, इस पर चार कुल लिखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गिलास है। और ये जो सिंजरी है इसके ऊपर पूरी सूरह यासीन लिखी हुई है और अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।